रिजर्वेशन के विभिन्न आयामों पर जारी चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज इस चर्चा का थर्ड एडिशन है और जैसा मैंने कल कहा था कि आज हम आप सबको किस तरह से जब से रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ 1977 में UFCD में दिव्यांगों के लिए, तब से किस तरह के ऑफिस ऑर्डर्स आए, कौन कौन से इश्यूज उठे, उनका निदान किस किस तरह हुआ या उन पर किस किस तरह का स्टैंड सरकार का रहा, उस पर हम आप सब से इन सब निर्देशों का शासनादेशों का को साझा करेंगे और उनके इम्प्लीकेशंस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व आप सबको व्हाइट केन डे की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि व्हाइट केन डे और वेल मिलकर हमारे समग्र आत्म सम्मान, आत्मीयता और स्वातंत्र्य का प्रतीक है। तो चर्चा का प्रारंभ इस बधाई के साथ ही करना उचित रहेगा। जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं और उससे जो रोजगार के अवसर मिले उन अवसरों के माध्यम से जो नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे प्रति था, उसको जो हमने चुनौती आप सब ने मिलकर दी, जहाँ भी आप हैं एम्बेसडर बनकर जो दी, उसके लिए कहीं ना कहीं व्हाइट केन का बहुत बड़ा महत्व है और वो दिन प्रतिदिन के हमारी दिनचर्या में स्पष्ट रूप से परिलक्षित भी होता है, उसका हम अनुभव भी करते हैं और उस के माध्यम से अपने आप को हम समाज में पूरी तरह से बराबरी के दर्जे पर लाकर अपना कंट्रीब्यूशन और अपनी उपादेयता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम आरक्षण के विभिन्न कार्यालय आदेशों या शासनादेशों का की यात्रा पर चले और उनके विकास को एनालाइज करने का प्रयास करें। तो सबसे पहला आरक्षण जब से इंट्रोड्यूस हुआ, वो आरक्षण हमारे पक्ष में जो इंट्रोड्यूस हुआ वो 1977 में इंट्रोड्यूस हुआ और उस समय होम अफेयर्स के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आता था एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उसके द्वारा यह शासनादेश 4 नवंबर 1977 का निर्गत हुआ। अब इस शासनादेश में क्या कहा, इस शासनादेश के माध्यम से समूह गा और घा ग्रुप सी एंड बी पोस्ट्स में और सर्विसेज में केंद्र सरकार की 3% आरक्षण की व्यवस्था की। वो किस तरह से आरक्षण दिया गया हम उस पर आते हैं और उसके माध्यम से इसमें सबसे पहली बात जो कही वो ये कि जो आरक्षण है वो 3 श्रेणियों को मिलेगा, ग्रुप सी और डी में ब्लाइंड, ये डेफ और हियरिंग और ऑर्थोपेडिक भी हैंडीकैप। और
सबको कितना कितना मिलेगा? हैंडीकैप को 3% मिलेगा सबको मिलाकर, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह पड़ेगा? ब्लाइंड को 1%, डेफ को 1%, ऑर्थोपेडिक लिक्विड को 1%। इसके सब पैरा टू में ये बताया गया कि इस रिजर्वेशन ऑर्डर के लिए जो कैटेगराइजेशन है उसके लिए जो डेफिनेशन है तीनों कैटेगरीज की डिसेबिलिटीज की, वो उसके साथ जो एनेक्सर लगा है उसके आधार पर रहेगी। और वो मोर और लेस वही थी जो 1995 के इन तीन शेयर में लिया आई थी। सब पैरा तीन में 1970 के ये कहा गया है कि इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे कि सब तीनों श्रेणियों के लिए अलग अलग आरक्षण 1-1% का होगा तीनों श्रेणियों के लिए, लेकिन उसमें ये व्यवस्था की जाएगी इंटर से एक्सचेंज की वैकेंसीज की। अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के कैंडिडेट्स उपलब्ध नहीं है तो दूसरी कैटेगरी से उसको भरा जा सकेगा, या वैकेंसी का नेचर इस तरह का है जहाँ एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं रखी जा सकती तो दूसरी कैटेगरी को उस रिजर्वेशन का फायदा देकर रोजगार दिया जा सकता है। इसमें यह भी व्यवस्था थी कि अगर किसी रिक्रूटमेंट ईयर में किसी कैटेगरी के लिए या कैटेगरीज के लिए तो डिसेबिलिटी रिजर्वेशन नहीं भरा जा सका तो उसको 2 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाए, 2 रिक्रूटमेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इन आदेशों के कार्यान्वयन के लिए, रिजर्वेशन के कार्यान्वयन के लिए जॉब आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके विदाउट लॉस ऑफ उनको जॉब दी जा सके। आइडेंटिफिकेशन का कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी 1977 से लागू है, आप देख रहे हैं, एंड रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी 1977 से ही लागू है 1-1%, और कैरी फॉरवर्ड का प्रिंसिपल भी इसी से लागू है 1977 से लागू। और जहाँ पर अगर ये भी इसमें पैराचार में व्यवस्था की गई है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कार्य का की प्रकृति ऐसी है जो किसी पर्टिकुलर किसी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी से नहीं परफॉर्म कराई जा सकती तो उसको या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से एक्सेप्ट किया जा सकता है रिजर्वेशन से, लेकिन इसका जो एग्जेम्पशन है रिजर्वेशन से किसी डिपार्टमेंट को वो किसके द्वारा किया जाएगा? इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी द्वारा किया जाएगा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत होगी, और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और एआर हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंसर्न की रहेगी। जो कैटेगरी ऑफ जॉब्स आइडेंटिफाई किए गए हैं मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स द्वारा फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए सुटेबल, अगर और चीजें बराबर हैं तो उन जॉब्स में प्रेफरेंस भी डिसेबल्ड को दिया जाएगा। और ये प्रेफरेंस इन एक्सेस ऑफ 1% कोटा भी दिया जा सकता है। पैरा 6 में तो पैरा 6 तो खैर वो फॉर्मल है कि
फाइनेंस डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स को, इन सर्कुलर को, इस आदेश को, सबकी सब डिपार्टमेंट्स को सर्कुलेट करे और उनकी मान्यता बताए प्रॉपर क्लास। तो 1977 में आरक्षण किस तरह हुआ? 3% का आरक्षण, 1-1% का डिस्ट्रीब्यूशन। और ये ध्यान रखिए जो डिफरेंस है, जो 2013 के जजमेंट में डिपार्चर किया जिस चीज को रेवोल्यूशनाइज किया, ये रिजर्वेशन पोस्ट में के अगेंस्ट था, ना कि वैकेंसी में। ग्रुप सीडी में आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि ग्रुप डी में ज्यादातर पोस्ट पीएन की हैं, ठीक, जो आजकल कन्वर्ट होके एमटीएस हो गई। ग्रुप सी में ज्यादातर पोस्ट क्लेरिकल और स्टेनो की थी। जो दोनों ही श्रेणियों में ये पोस्ट ब्लाइंड के लिए आइडेंटिफाइड नहीं किए, और इसलिए ब्लाइंड को इन पर जॉब मिलना संभव नहीं था इस आदेश के बावजूद, और इसलिए इसका लाभ ब्लाइंड को 1980 तक कर, जिसके कारण संघ को आंदोलन करना पड़ा। अब उस आंदोलन 1980 के आंदोलन में जो 16 मार्च को हुआ और उसके बाद 1 अगस्त से 5 अगस्त तक हुआ, तो उससे क्या परिवर्तन है, हम उस पर आते हैं। के आंदोलन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले 17 मई 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती गांधी के निर्देश पर यह आदेश, ये बात तय हुई कि दिव्यांगों के लिए दृष्टिबाधितों के लिए एक्सपीडाइट किया जाए उनका रोजगार के आरक्षण को पूरा करने की प्रक्रिया को, उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए 1 अगस्त 1980 से 5 अगस्त 1980 तक एक आंदोलन हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप आमरण अनशन प्रारंभ किया गया मेरे नेतृत्व में। उसके परिणाम स्वरूप 4 अगस्त 1980 को एक एग्रीमेंट हुआ भारत सरकार और हमारे बीच, फेडरेशन के बीच। तत्कालीन श्रम मंत्री एल टी इंजीनियर जी समय प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने उस एग्रीमेंट पर संघ के साथ समझौता किया, और उसके मुताबिक जो तय हुआ मैं उसके मोटे, मतलब इससे संबंधित जो मुद्दे हैं उसी पर आऊंगा। रिजर्वेशन से संबंधित जो मुद्दे हैं, इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई, और ये बात शुरुआत ये इस एग्रीमेंट की इसी से होती है, अंडर द डायरेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर द लेबर मिनिस्टर डिजायर्ड दैट The Director of Employment Exchanges, Mr. K. Kumar, and Deputy Director of Employment Exchanges, Mr. Hari Kishan, visit the camp where the blind are on hunger strike.
near the Prime Minister's house. The visit was made on 4th and 5th August 1980. After a brief discussion, they were persuaded to come to Labour Minister's office for a meeting earlier. A meeting was held in the room of DGJS with the representatives of Ministry of Social Welfare and National Federation of the Blind on 2nd August 1980. A meeting was held under the chairmanship of Labour Minister in which the following were present. And names are there: representatives of National Federation of the Blind, Shri Hamid Hassan Khan, Shri Sahaj Ram Tiwari, representatives of DGENT, Director General Employment and Training, Shri K. Kumar, EEX, Shri Hari Kishan, Deputy Director, Social Welfare, Shri Purushottam Thakkar, Social Worker, the representatives of National Federation of the Blind were apprised of the following actions taken by the Ministry of Labour for the speedy rehabilitation of the blind. 1. All the ministries, departments were being requested to nominate any officer of the rank of Deputy Secretary as liaison officer for monitoring the reservation orders. All the ministries, departments of the Government of India have been requested to furnish a quarterly return for keeping a watch on the effective implementation of the reservation orders for Group C and Group B categories of posts. वो जो 1977 का रिजर्वेशन ऑर्डर जो अभी हमने इसकी चर्चा की, उसके प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए एक लेजा ऑफिसर की बात आई पहली। ऑल द अटैच्ड एंड सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ द लेबर मिनिस्ट्री हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू एंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द रिजर्वेशन ऑर्डर्स इन फेवर ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्संस एंड सेंड अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द पोजिशन एज इट stands now. All the superintendents of vocational rehabilitation centers have been instructed to put in extra efforts so that the present placement target is improved substantially as desired by the Prime Minister and the Labour Minister. Social, a special emphasis in this regard may be laid on the rehabilitation placements of the blind. All the state directorates where special employment exchange for physically handicapped is functioning have been requested to issue suitable instructions to the in charge of the special employment exchange, impressing upon the need to attain the minimum of 50 placements per month. The special efforts and the placement of the blind may be made. For the placement of the blind may be made. The Ministry of Social Welfare have been requested to arrange a meeting of the voluntary organizations engaged in the welfare of the physically handicapped. Liberal grants be given to such voluntary organizations for such schemes which lead to the employment of physically handicapped. A working group to draw a concrete and detailed program in the area of employment, open and shelter, has been set up under the chairmanship of Additional Secretary, Ministry of Labour, for formulating a detailed action plan and also
plans which would give publicity to the legislative measures considered necessary for implementation during the year 1981 itself. The first meeting was held on 7 July 1980. All the state social welfare secretaries have been requested to send the details of scheme being operated for the benefit of the physically handicapped persons. All the ministries, departments of the Government of India have been requested to ensure that no employer rejects the physically handicapped persons, particularly the blind, on flimsy grounds. The evaluation conducted by the vocational rehabilitation centers for the physically handicapped persons about their suitability for a particular job should be taken as final. A task force under the chairmanship of Director General of Employment and Training and Joint Secretary has been set up to consider the functioning of these special employment exchanges with a view to suggest measures as may be taken to provide adequate facilities and incentives to the special employment exchanges to undertake the work of placement of the physically handicapped persons, particularly the blind, in the most effective manner. The first meeting of the task force is scheduled to be held on the 11th August 1980. A survey to identify the jobs in group A and B categories has already been undertaken. A monitoring cell is being set up in the Ministry of Labour to watch the progress regarding the placements of physically handicapped persons, including the blind. The representatives of National Federation of the Blind requested the minister to indicate the time-bound program for providing jobs to all the blind persons who were registered with the special employment exchange. In this context, it was suggested after detailed discussions to take the following action for the speedy and effective rehabilitation of the blind persons registered with special employment exchanges. Very important. A DO letter be addressed to all the chief ministers, drawing their attention to the Prime Minister's letter and emphasizing the need of taking all possible measures immediately to rehabilitate the blind persons registered in the special employment exchange. A copy of this be endorsed to the state labor ministers and state social welfare ministers. The state government also be requested to constitute advisory committees to watch the progress of the placement of physically handicapped persons, particularly the blind. A representative of National Federation of the Blind may be co-opted in the proposed committee. All the ministries be requested to indicate the action taken on the Prime Minister's directive for identification of jobs for the blind and other physically handicapped persons. The special report be called for within 15 days. The Home Minister be requested to get suitable instructions issued for getting the caning of chairs in all the central government ministries of the departments done to the blind only. The possibility of creating a post of chair caner be also examined urgently in certain ministries in view of the volume of work.
the Ministry of Social Welfare be requested to expedite the finalization of the legislation pertaining to physically handicapped person, including blind. A provision of rupees 60 per month as unemployment allowance may be made in the proposed legislation. The state governments may be suitably addressed in this matter. A meeting of the major employing ministries and the private employers be convened within a month so as to impress upon them the need to employ at least one blind person immediately, with the ultimate objective of absorbing all the blind persons registered at special employment exchanges. The Ministry of Education was requested to ensure that the educationally qualified blind persons are engaged against the post of lecturers, teachers in various colleges, universities, Kendri Vidyalaya, Sangathan. The progress of the placements of blind persons will be reviewed every month, and this for this purpose an advisory committee be constituted at the center in the states, representatives of Federation of the Blind be represented on these committees amongst others. The Department of Personnel be requested to consider the desirability of reserving 3% of posts for physically handicapped persons instead of 3% of vacancies. In the first meeting of the employers, a proposal to employ one blind person per month be put up for consideration of the employment in the employers in the public and private sectors. तो ये इस एग्रीमेंट का लगभग वर्ष पूरा एम्प्लॉयमेंट से संबंधित था, और इसका परिणाम ये हुआ कि 1980 में ही एक ऑर्डर निकला कि ग्रुप डी वैकेंसी के अगेंस्ट, पीएन की वैकेंसी के अगेंस्ट ब्लाइंड को रिक्वायर करके हर मिनिस्ट्री में उससे चेयर रिकनिंग का काम लिया जाए। और सभी डिपार्टमेंट्स को पत्र लिखने के परिणाम स्वरूप लोगों को जॉब मिलना प्रारंभ किया। इसके बाद फिर 1 जनवरी से 25 जनवरी तक फिर आंदोलन हुआ फेडरेशन के नाम, और 25 जनवरी को फिर इन सब मुद्दों पर एक डिटेल्ड कम्युनिकेशन लेबर मिनिस्टर के द्वारा, तत्कालीन लेबर मिनिस्टर स्वर्गीय श्री एन डी तिवारी द्वारा संघ को दिया गया, संघ उनके आदेश पर दिया गया डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के नाम से। उसमें प्रोग्रेस भी बताई गई, और कुछ समय तक कुछ प्रोग्रेस हुई थी काफी जगहों पे। इस एग्रीमेंट के तुरंत बाद सबसे पहले प्लानिंग कमीशन में 3 लोग लगे, फिर डीटीसी में लोग लगे, वो लगने लगे लोग ग्रुप डी में, लेकिन ग्रुप सी की समस्या वही की हो गई। और ग्रुप डी में कुछ लोग लगते गए, 1981 में भी बहुत लोग लगे 80 से शुरू होकर, लेकिन ज्यादातर लोग ग्रुप डी में, ग्रुप सी में भी कुछ लोग लगे लेकिन ज्यादातर लोग ग्रुप डी में लगे। लेकिन हर डिपार्टमेंट में हलचल प्रारंभ हुई, और उसके बाद 1984 में
जॉब आइडेंटिफिकेशन हुआ, और 1986 में फिर एक ऑफिस ऑर्डर आया, पिछले ऑफिस ऑर्डर को बदलते हुए अब तक ये जो 3% का आरक्षण था 1977 से 85 के बीच, जो लार्जली ग्रुप सी में अनफिल्ड रहा, अनइम्प्लीमेंटेड रहा, 86 में जो ऑफिस ऑर्डर आया जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, केवल इतना समझ लें कि उसमें 1977 से 85 तक जो स्थिति थी आरक्षण की गणना की, वो केवल आइडेंटिफाइड पोस्ट जो थी उन्हीं में, उन्हीं के विरुद्ध 3% का आरक्षण की गणना होती थी, अर्थात जो अन आइडेंटिफाइड पोस्ट थे आरक्षण की गणना करते समय, रिजर्वेशन देते समय उनको उस गणना से बाहर रखा जाता, जिससे आप समझ सकते हैं कि पद कितने कम आरक्षण के लिए मिलते थे। और यह पोस्ट बेस्ड आरक्षण था, यह अभी तक समझ में 86 में भी पोस्ट बेस्ड थी, तो कल हम इस पर आगे चर्चा करेंगे 86 की और उसके विभिन्न प्रावधान उस शासनादेश के आपको आपसे साझा करेंगे। यदि कोई प्रश्न हो तो अब आप प्रश्न कर सकते हैं। चूंकि कोई और प्रश्न है नहीं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत आभार। कल फिर 7 बजे मिलेंगे पार्ट 4 में, तब तक के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा।